नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ओमान एयर के बारे में और कतर एयर के बारे में, दोनों अपडेट निकल के आ रहे। साथ ही यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक अपडेट दिया, अगर जो आप टूरिस्ट हो तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिस्ट ने यहाँ पे देखे तो अपना व्हाट्सएप नंबर एक बाकायदा जारी किया है, एक ईमेल एड्रेस भी जारी किया है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत हुआ या आप कुछ भी प्रॉब्लम है तो उससे संपर्क कर सकते हो। तो क्या है पूरा डिटेल इस वीडियो में शेयर करूंगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले अगर जो बात करें यहाँ पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिस्ट की तरफ से अगर जो बात कर ले तो यहाँ पे उन्होंने अपडेट अपना व्हाट्सएप नंबर बाकायदा उन्होंने जारी किया है, जो काफ़ी बेहतरीन है टूरिस्टों के लिए, क्योंकि ओमान सरकार यहाँ पे 2040 तक ओमान में, मतलब जो ऑयल है, ऑयल देखे तो गल्फ कंट्री किस पे निर्भर है, जैसे दुबई ने अपनी इकॉनमी वो मतलब ऑयल से अपना हर एक चीज़ दूसरे बिजनेसों पे शिफ्ट कर चुकी है, उसी तरह ओमान 2040 तक चाहता है कि वो जो जितना तक उसका निर्भरता है मतलब देखे ऑयल के ऊपर, तो उसको हटा के दूसरे बिजनेस पे। तो टूरिस्ट सेक्टर तो एक बहुत ही बड़ा, मतलब देखा जाए तो बहुत ही बड़ी वो है कि आने वाले वक्तों में दुनिया घूमे नहीं टेंगे ओमान में, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग आते जाते हैं। तो इसके लिए देखा है तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिस्ट ने यहाँ पे मतलब ईमेल एड्रेस भी जारी किया है, और साथ ही यहाँ देखें तो बाकायदा उन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जो काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद अगर जो देखें यहाँ पे, तो दूसरा जो अपडेट निकल के आ रहा है कि यहाँ पे कतर और ओमान एयर की तरफ से देखिए अगर जो, तो यहाँ पे 3 वीक हफ्ते में देखे तो मतलब क्या होगा, हफ्ते में 3 फ्लाइट ऑपरेट करने वाली यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन है। मस्कत से दोहा ओमान एयर पार्टनर, मतलब क्या होगा कि ओमान एयर भी ऑपरेट करेगी और कतर एयर भी ऑपरेट करेगी, जो काफ़ी बेहतरीन है। जो लोग भी देखे तो आने आने 2022 में मतलब देखा जाए तो फीफा वर्ल्ड कप भी होने वाला है कतर में, तो जिसके लिए टूर भी देखे तो मौजूदा वक्त में अरब वर्ल्ड लीग चल रहा है, जो कि मतलब देखे तो वैसे वहाँ कतर में ही खेला जा रहा है, तो आने जाने के लिए जिसको भी ज़रूरत है वो जा सकते हैं, टिकट का प्राइस कंट्रोल में रहेगा, जो काफ़ी बेहतरीन है। तो ये दोनों एयरलाइन हफ्ते में 3 बार ऑपरेट करने वाली है, ओमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। तो ये थी अपडेट, वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।